मुश्किल होता है खाना बनाना यार. Hey guys, it's Yashita and welcome back to my channel. So as you can see by the title of today's video, today I'm going to be doing a very fun challenge. So the challenge is that I have to cook for 24 hours. So I have decided to cook for the entire day. I'm going to be making breakfast, lunch and dinner. Since I've been quarantining, I thought of taking on this challenge क्योंकि इससे मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा और मजा आएगा और साथ ही साथ मम्मा की हेल्प हो जाएगी. So yeah, if you're interested to see मैं चैलेंज कैसे करती हूँ, please keep on watching this video. But before we get started with today, this video, if you haven't subscribed to my channel yet, please abhi jaake subscribe karo. Also hit the bell notification so you get notified every time I upload a new video on YouTube. You can also follow me on my Instagram. This is my Instagram handle. And yeah, now let's get started with the video. Hi guys, good morning. So from today I have to start this cooking challenge for 24 hours. So अभी बज रहे हैं 10. मैं थोड़ा लेट उठी. मैंने सोचा था 9 बजे तक उठ जाऊँगी, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट बना लूँगी, बट एनी वे वी आर रनिंग 1 आवर लेट. सो आई एम जस्ट गोना क्विकली हेड टू माई किचन. मैंने सोचा है कि आज मैं पोहा बनाऊँगी जो कि मम्मा का फेवरेट है, और पोहा के साथ मैं अपनी स्पेशल चाय बनाऊँगी. एंड या लेट्स जस्ट सी हाउ दैट टर्न्स आउट, क्योंकि मैंने कभी आज से पहले पोहा नहीं बनाया. सो लेट्स होप कि अच्छा बने. ओके गाइस, सो ये मैंने चॉप करा है, मशीन से ही करा है, पर काफी मेहनत लगी. एक चम्मच ओके. सो पोहा बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है और मम्मा नहाने चली गई है. तो अब जब तक पोहा बन रहा है, मैं सोच रही हूँ कि अपनी चाय बनाना भी स्टार्ट कर दूँ ताकि वो अच्छे से पके और बहुत टेस्टी बने. कैसा लग रहा है मम्मा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा. आज मैं 1 घंटे नहा रही हूँ. हमेशा मुझे बेड पे नाश्ता मिलता है, आज मैंने बनाया. आप अब टेस्ट करके देखो. इस चैलेंज में ही सही, कम से कम मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशी तो आई. ओके. वैसे चाय तो ये बना देती है. हाँ, चाय आपको मेरे हाथ की पसंद है. ये जो भी बनाती है वैसे बहुत टेस्टी बनाती है, बस बनाती नहीं है. देखिए कितना अच्छा लग रहा है. देखो मैंने गार्निशिंग भी की है धनिया से ऊपर. और चाय तो बहुत बहुत बार बना चुकी है, लेकिन बिना मेरे कुछ करे आज ये ऐसा मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है. मम्मी ने गाइड किया है मुझे पूरा. गाइस, पूरी रेसिपी वगैरह मम्मी ने ही बताई है, पर बनाया मैंने पूरा अकेले. मेरे से भी ज्यादा टेस्टी बनाया. कैमरे के लिए बोल रही हूँ कि सच में? दिल से बता रही हूँ. नमक वमक सही है? एक नंबर. और चाय पी के देखो, मास्टर शेफ लग रहा है आज मुझे. आप मेरी जज. चाय तो ऑलवेज ही अच्छी होती है तेरी. पक्का अच्छी बनी है? हाँ, मुझे लग रहा है ज्यादा वो हो गई चाय पत्ती. बहुत अच्छी बनी, बहुत पक गई, बहुत टेस्टी लगती है. मिशन सक्सेसफुल गाइस, लव यू. तो अभी बज रहे हैं 12:24. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट इट इज़ 12:24. सो ऑलमोस्ट 12:30. एंड अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया था, आई गेस 11 बजे तक करा था. सो अभी तो मेरा पेट फुल है, पर मैं अभी नहा वहा के आई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ. पर ऐसा सीन है कि लंच प्रिपेयर करने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं आदत है कुक करने की. और ब्रेकफास्ट तो बस पोहा बनाना था, तो वो थोड़ा ईजी था. पर लंच पे मुझे सब्जी, दाल, चावल, शायद रोटी, तो ये सब बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे टाइम लगेगा. आई रियली होप कि लंच भी अच्छा बने. पोहा तो हिट हो गया, उन्हें बहुत पसंद आया. सो अब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है मेरे पे. लंच भी अच्छा बनाना पड़ेगा. एंड या
I'm gonna keep you guys posted. So on a side note, I also wanted to show you guys my really cute dress. ये एक बहुत पुरानी dress है मेरे wardrobe में. This is from Forever 21, I guess. Yeah, this is what I have been doing in this quarantine period. मैं रोज सुबह उठ के नहाने के बाद एक cute सा अच्छा सा outfit पहनती हूँ. तो उससे you know खुद को ही अच्छा feel होता है. And जो dresses मैं नहीं पहनती थी कभी मैं वो अब पहन रही हूँ. तो मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है थोड़ा doll up होने से you know. So I just wanted to share that with you. Okay, so मैं apron पहन रही हूँ अब. क्योंकि मेरी प्यारी सी वाइट ड्रेस खराब हो जाएगी और एप्रन पहनते हुए मुझे बहुत प्रोफेशनल सी फील आ रही है. लग रहा है मैं मास्टर शेफ में आ गई हूँ. जस्ट किडिंग गाइस, बट या ओके. सो अभी मैं मम्मा से डिस्कस कर रही थी कि कौन सी सब्जी बनाऊँ, कौन सी दाल बनाऊँ. दाल सब्जी चावल का तो डिसाइड कर लिया था कि वही बनाऊँगी लंच में. पर जो भी मैंने बहुत स्टाइल मार के पूछा आपको कौन सी दाल खानी है, तो मम्मा ने बोला कि ये जो सब सामान रखा है ना, तुम इसमें से मुझे इतना ही बता दो कि कौन सी दाल कौन सी है. तो मुझे क्या मम्मा क्या करोगे आप, कोई प्राइस देंगे या कुछ शर्त लगाएगी? सो अगर मैंने सारा सही गैस करा तो आप मुझे क्या दोगे? देखो 20 रुपीज वाली डेरी मिल्क. हाँ, 20 रुपीज वाली डेरी मिल्क भी चाहिए मुझे. कुछ अच्छा चाहिए फिर. बिल्कुल चाहिए. 20 रुपीज की डेरी मिल्क भी बहुत है इस समय, छुपा के रखी थी मैंने इसलिए. हाँ ओके ओके. अभी सब लोग घर में एक्स्ट्रा राशन वगैरह ला के रख रहे थे और मैं मम्मा को बोल रही थी आप मेरे लिए 10 किलो चॉकलेट ला के रख दो, बिकॉज आई रियली रियली लव चॉकलेट. बट हाँ मम्मा, आप यहाँ से दाल निकालो और मैं गैस करूँगी. ओके, तो ये बता ये क्या है? अरे इतने दूर से ऐसे मैं थोड़ा टेस्ट करूँगी ना, आप मुझे ऐसे ये तो कोई भी बता देगा. यार नौटंकी, एक सेकेंड, सारी येल्लो ही होती है ना. हाँ सारी, ये तो तू जानती भी है, रोज ही खाते हैं. हाँ अरहर, तू पागल है? पागल है क्या? देखो सुबह मैं रोज किस चीज का चील, मूंग दाल, मूंग दाल. हाँ, कुछ भी. ठीक है ठीक है. तो डांट क्यों रही हो यार मम्मी? तो डांटती नहीं, तो ऐसे कैसे कर सकती है ये बता. एक सेकंड रुको, फोकस नहीं हो रहा है. हाँ चलो अब बताओ. ये तो ये अरहर है ना, ये चना है. स्टूपिड पागल सी. यार एक सेकंड, एक सेकंड भाई. यार ऐसी होती है मम्मा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. anyway, ये मोटी है तो अब बची कौन सी? अब तो मैंने गलती बता दी ना फिर सारी. ये होगी अरहर. हाँ एक बात बताओ, इसमें और उसमें क्या, एक बार साइड बाय साइड कंपैरिजन हो जाए प्लीज. वो ये कि ये थोड़ी मोटी है, इसका कलर में यार भी डिफरेंस है. समझ आ जाता है मम्मा ये. हाँ. कि आप पैकेट की वजह से आपको याद है. अच्छा बुढ़ापा आ गया. हाँ, थोड़ी सी मोटी है वाली. तो यार अब छोटी सी मासूम बच्ची को क्या पता होगा. तो हाँ मैं चैलेंज बहुत बुरी तरीके से हार गई. मुझे पता भी था यार, नहीं पता मुझे दाल के नाम सारे सेम लगते हैं. आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि नहीं. बट एनी वे, आप ये तो बताओ मम्मा की कौन सी दाल बनानी है आज? मूंग की दाल बना ले. ठीक है एक बात बोलूं? हाँ. निकाल के दे दो यार. तो हमारी आलू गोभी बननी स्टार्ट हो गई है और चावल के लिए पानी बॉयल पे आ चुका है. तो अब इसमें मैं चावल डालूंगी और आलू गोभी जैसी बनती है उसके बाद दाल बनाएंगे. और मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कुकिंग शो पे हूँ. मेरा चैनल है खाना खजाना ही होता था ना. तो या ओके गाइस, अपडेट, सारा काम हो चुका है और मैं बहुत थक गई. बहुत मुश्किल होता है खाना बनाना यार. और अब बस सर्व करना है. मम्मा को भूख लग रही है ना मम्मा? तो ओके, लेट्स सर्व द फूड. मैं आई थी 1 बजे बनाने खाना और अब कितने बज रहे हैं? ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है. सो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, पर फिर भी कभी नहीं बनाती हूँ मैं खाना. एंड द फूड इज सर्व्ड. अब आप टेस्ट करके बताओ कैसा है. नमक वमक मुझे लग रहा है थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है. मस्त इस दाल में थोड़ी नमक कम है. नहीं, जो सब्जी में ज़्यादा है थोड़ा, मतलब सब्जी में ज़्यादा है और दाल में कम है तो बैलेंस हो गया. ओके
ओके सो करंटली इट इज 8 PM एंड इट इज डिनर टाइम नाउ. और लंच करने के बाद मैं सो गई थी, फिर उठ के इसी व्लॉग की एडिटिंग करी मैंने क्योंकि ये कल लाइव जानी है. सो या आई फिनिश अभी तक जितना शूट किया था उसकी एडिटिंग एंड नाउ आई हैव टू हेड बैक टू द किचन टू प्रिपेयर द लास्ट मील ऑफ टुडे विच इज डिनर. पर मैं सोच रही हूँ डिनर प्रिपेयर करने से पहले मैं चेंज कर लूँ अब कुछ कम्फी आउटफिट में क्योंकि अब ये क्यूट ड्रेस का हो गया. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज इन टू समथिंग रियली कम्फर्टेबल ताकि मैं जल्दी जल्दी से डिनर बनाऊँ फिर एडिटिंग खत्म करूँ और सो जाऊँ क्योंकि मैं थक गई आज. सो या सो डिनर के लिए मैंने और मामा ने डिसाइड करा है चिली पनीर बनाने के लिए, मतलब मैं ही बनाऊँगी. तो ये जो चिली पनीर वाली रेसिपी है ना मेरे घर पे, ये वाला चिली पनीर अक्सर बन जाता है, इसको झटपट पनीर बोलती है मम्मा. तो ये एक प्रॉपर चिली पनीर वाली रेसिपी नहीं है, ये बस एक क्विकली हम बना देते हैं वैसा टाइप का है. एंड उसके साथ मैं रोटी बनाऊँगी. पहली बार देख रही हूँ किसी को डाइनिंग टेबल पे आटा लगाते हुए. आप ये देखो कि मैं सही लगा रही हूँ, नहीं तो रोटी नहीं बन पाएगी. एकदम परफेक्ट गोल गोल रोटी बनाऊंगी मैं एकदम. आप मेरे से एक नहीं बन रही, नर्वस मत करो मेरे को. रुको कुछ टेक्निक्स बताओ. टेक्निक्स ये कि उसको एक बार फिर वो लगाओ सूखा आटा. मम्मी मेरे से आज पूरे तीनों टाइम का मेरे से खाना बना रही है मम्मा और अब मैं बना रहा हूँ चिली पनीर और रोटी. चिली पनीर रेडी और अब मैं रोटी बना रहा हूँ. देख रहे हो पापा फूड चैलेंज किया है मुस्कान ने. मैं तुम्हें चुपके चुपके से ब्लॉग में लेने की कोशिश कर रही हूँ. अब जब आप आओगे तब बनाऊंगा वापस. मैंने सोचा इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें दिखाने का. ओके सो द डिनर इज रेडी और हम हमारे लिविंग रूम में आ गए. यहाँ पे हम यूजुअली टीवी देखते देखते ही डिनर करते हैं. सो अब मम्मा ने स्टार्ट कर दिया. कैसा लग रहा है मम्मा आपको? बहुत बहुत टेस्टी सच में. आपको आज सारी चीज अच्छी लगी? सच में अच्छा लग रहा है? तो जिसमें हाथ लगा देती है वो चीज टेस्टी हो जाती है. माय मॉम इज माय नंबर वन फैन. सो अब मैं मुझे भी बहुत तेज भूख लग गई है. तो हम अपना शो देखेंगे और डिनर करेंगे एंड वी विल सी यू आफ्टर दैट. गाइस सो वी आर डन विद द डिनर एंड आज का चैलेंज मैं यहीं पे एंड करूंगी. आई रियली रियली एंजॉयड डूइंग दिस चैलेंज. फन भी था, थक भी गई मैं, ट्रिकी था, बट ओवरऑल इट वाज रियली रियली फन. और आपको कैसे लगा आज का मेरा कुकिंग चैलेंज? आज मेरे लिए लाइफ का सबसे अच्छा दिन था और ऐसे ही चैलेंजेस लेते रहे और मैं ऐसे ही खुश रहूंगी. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ऐसे चैलेंजेस और देखने हैं. तो एंड या नाउ आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर. आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ न्यू करने का ट्राई करा है. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड ऑल्सो गाइज पर्सनली मैं आपको अर्ज कर रही हूँ कि आप ऐसा चैलेंज लो. अभी जो क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है घर से मत निकलो, सारे प्रिकॉशंस लो और अपनी मम्मी का किचन में हेल्प करो. एटलीस्ट यू विल लर्न टू कुक 2 or 3 न्यू डिशेज. So and yeah, don't forget to like, share and subscribe and yeah, I'm gonna go now. I'll see you guys next time. Bye.